अक्षय वर्सेस आमिर की जंग में हुई एक और एंट्री। क्या खिलाड़ी कुमार और मिस्टर परफेक्शनिस्ट की लड़ाई में फिर बाजी मार लेगा साउथ? आजकल बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड से ज्यादा साउथ फिल्मों की धूम मची हुई है। साउथ और बॉलीवुड फिल्मों को लेकर घमासान इतना तगड़ा है कि बड़े बड़े स्टार्स इस बात से सक पकाए दिखते हैं कि कहीं उनकी फिल्मों के साथ कोई साउथ की फिल्म रिलीज ना हो जाए। अब ये तो जग जाहिर है कि फिल्म में कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, फिल्म तो तभी चलती है जब उसकी कहानी में दम हो। और यही वजह है कि साउथ की मोस्टली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स की बिग बजट वाली फिल्में भी औंधे मुंह गिर रही हैं। अब ऐसे में एक खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद बॉलीवुड के स्टार्स चौकन्ने हो गए हैं। जी हाँ, खबरें हैं कि अब 11 अगस्त को सिर्फ बिग बजट की ही दो फिल्में नहीं बल्कि तीन फिल्में रिलीज होंगी। आखिर कौन सी वो फिल्म है जो अक्षय और आमिर से भिड़ने के लिए अपना सीना चौड़ा कर मैदान में खड़ी है? चलिए आइए जानते हैं कि कौन है जिसने आमिर और अक्षय के साथ पंगा लेने का पूरा मन बना डाला है। तो सुनिए, दरअसल कुछ दिनों से चारों तरफ इस बात की ही चर्चा है कि एक ही दिन पर अक्षय कुमार की रक्षाबंधन और आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने को तैयार है। अब ऐसे में इस महाक्लेश को देख पब्लिक वैसे ही कंफ्यूज है और एक्साइटेड है कि इस जंग में बॉक्स ऑफिस पर कौन धुआंधार कमाई करने वाला है। अक्षय वर्सेस आमिर वाला बज अभी कम भी नहीं हुआ था कि अब फैंस को एक और मसाला मिल गया है। जी हाँ, अब सुनने में आ रहा है कि इस टक्कर में साउथ की फिल्म कोबरा ने भी अपनी टांग घुसा दी है। जी हाँ, बॉलीवुड के दोनों स्टार्स की टक्कर की इस कहानी में साउथ के सुपरस्टार विक्रम की एंट्री हो चुकी है। अब ऐसे में 11 अगस्त को आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन रिलीज हो रही है। ऐसे में जब अक्षय और आमिर दोनों ही होप लिए बैठे हैं कि 11 अगस्त को थिएटर्स में दोनों फिल्में चलेंगी, लिहाजा साउथ से विक्रम की फिल्में दोनों के सामने तगड़ा कंपटीशन देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब ऐसे में आमिर और अक्षय की फिल्म के साथ विक्रम की लॉन्ग अवेटेड फिल्म कोबरा को भी इसी दिन टिकट खिड़की पर रिलीज करने की बात की जा रही है। लिहाजा अक्षय या आमिर में से किसी की भी फिल्म जरा सी भी ढीली पड़ी तो इसका सीधे तौर पर सारा फायदा कोबरा को मिल सकता है। हालांकि तीनों फिल्मों की अपनी एक स्टोरी थीम है, जहां अक्षय की फिल्म रक्षाबंधन एक फैमिली ड्रामा है तो वहीं आमिर की फिल्म भी लीक से हटके बनाई गई है। इसके साथ ही विक्रम की फिल्म में KGF की ऑपोजिट निधि श्री शेट्टी भी है। अब ऐसे में पैन इंडिया फिल्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में एक साथ रिलीज हो रही है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आमिर अक्षय की फिल्मों के बीच विक्रम की फिल्म को नॉर्थ इंडिया में कितना सपोर्ट मिलता है और कोबरा बॉक्स ऑफिस पर किस हद तक आमिर और अक्षय की फिल्मों को कड़ी टक्कर देती है। खैर, इन तीनों स्टार्स की एक ही दिन में होने वाली यह ट्रायंगल घमासान पर आपके क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।